हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गार्गी चीमा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर रेसिपी। पालक को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। पानी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें 1/2 टीस्पून डालूंगी नमक और 1/2 टीस्पून डालेंगे शुगर। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें पालक को डाल देंगे। चीनी और नमक डालने से इसका कलर हरा भरा ही बना रहता है। पालक हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, हम एक बर्तन में बिल्कुल ठंडा पानी लेंगे और इस पालक को इसमें डाल देंगे। पालक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, इसको हमें ऐसे ही पीसना है। इसी में हम हरा धनिया डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। इसको पीस लेंगे। पालक को मैंने अच्छे से पीस लिया है, पनीर को भी मैंने कट कर लिया है। ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया है। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे हम सरसों ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, पनीर को हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है, अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ते डालेंगे, दालचीनी और लौंग। जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, लाल डालेंगे, प्याज को गोल्डन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें नमक डाल दूंगी। टमाटर को भूनेंगे अच्छे से। टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इसी में हम डाल देंगे लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। चलाएंगे इसे अच्छे से। अब हमने जो पालक का पेस्ट बना के रखा है इसे हम इसमें डाल देंगे। चलाएंगे अच्छे से।
अब इसमें डालेंगे हम फ्रेश क्रीम 2 बड़ी चम्मच के करीब। मिक्स करेंगे। क्रीम डालने से इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ी देर पक, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। पनीर हमारा बनकर तैयार है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन